नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये अनुभव जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इनकी समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ये अनुभव होते हैं तो कई बार इनकी अनुभूति इतनी तीव्र होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि साधक लोग भयभीत हो जाते हैं और सही जानकारी न होने के कारण इस साधना को या उस ध्यान को छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये अनुभव उन्हें हो रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि ये वह समय है जब थोड़े से और प्रयास यदि कर लिए जाएं, थोड़ा सा और फोकस यदि अपने कार्य पर कर लिया जाए, साधना या ध्यान के कार्य पर, तो मानव जीवन सार्थक हो जाता है और परम शिव से मिलन संभव हो पाता है। हालांकि जो अनुभव हैं वो विभिन्न हैं, बहुत सारे हैं, और एक ही वीडियो में जिनको इंक्लूड करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष चुने हुए अनुभव आज मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला है और सहस्रार चक्र के आसपास बहुत तेज दबाव का महसूस होना और कह सकते हैं कि पीड़ा का महसूस होना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप साधना और अपने ध्यान में हैं तभी यह दबाव महसूस हो रहा है। जब आप अपने नित्य के दैनिक कार्यकलाप कर रहे होते हैं तो भी यह तेज दबाव उस समय भी आपको लगातार महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वह जगह फट जाएगी और अंदर से कुछ बाहर आ जाएगा। कई बार ऐसा लगता है जो सर का शिखर है, तालू वाली जगह है, वह ऊपर नीचे लगातार हो रही है। तेज दबाव महसूस होगा और यदि यह अनुभव सहस्रार चक्र पर आपको हो रहा है तो बहुत ही कीमती और दिव्य अनुभव है। सहस्रार चक्र दैवीय ऊर्जाओं का द्वार है और यही वह द्वार है जहां से हम दैवीय ऊर्जाओं से साक्षात्कार कर सकते हैं। 1000 कमल की पंखुड़ियों वाला यह जो चक्र है बैंगनी रंग का होता है। सर के शीर्ष पर यह स्थिर होता है और आध्यात्मिक उन्नति का जब उच्चतम स्तर होता है तो यहां अनुभव साधकों को बहुत तीव्र हो जाते हैं। और यह अनुभव बताता है कि जो हमारी सुषुम्ना है, जो ईड़ा और पिंगला के बीच से होकर गुजरती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही संतुलित है और मूलाधार चक्र से हमारी जो ऊर्जा है वह ऊपर की तरफ बहुत ही संतुलित तरीके से प्रवाहित हो रही है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका जो अंतिम छोर है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यह सहस्रार चक्र पर जाकर मिलता है। वहीं हमारी ईड़ा और पिंगला, ये जो दोनों नाड़ियां हैं, आज्ञा चक्र पर जाकर मिलती हैं और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सहस्रार चक्र पर मिलती है। जब मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो इसी सुषुम्ना से प्रवाहित होकर इस ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है जहां पर सहस्रार चक्र से मिलती है और इस प्रकार परम शिव से शक्ति का मिलन होता है। और यदि दर्द तेज हो या दबाव तेज हो तो घबराने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। साधना और ध्यान से पहले आप थोड़ा प्राणायाम करें, गहरी लंबी सांसें लें, हल्की फिजिकल एक्सरसाइज आपको रोज करनी चाहिए। कुछ समय बाद जो तेज दबाव और दर्द है सहस्रार चक्र पर महसूस होता है यह हल्का होता जाएगा। परम आनंद की स्थिति में उस समय साधक होते हैं। दूसरा अनुभव कि सूक्ष्म जगत की तमाम हलचलें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और विभिन्न नाद को सुन सकते हैं। और यह इसीलिए होता है कि निरंतर साधना और ध्यान से हमारी एनर्जी बॉडी, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा ऊर्जा शरीर बहुत प्योर, निर्मल, निर्दोष हो जाता है और सूक्ष्म जगत को अच्छी तरह से अनुभव कर पाता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है। ध्यान और साधना में तो विभिन्न दृश्य दिखाई देते ही हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। इनमें वो आवाजें भी होती हैं कि ऐसा लग रहा है कि कई लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह सूक्ष्म योनियों की आवाजें होती हैं। यह वह समय होता है जब हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा ऊर्जा शरीर विभिन्न लोकों में पहुंचने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने इष्ट के दर्शन संभव होते हैं और जो भी आपके ईष्ट हैं, जो भी देवी देवता जिनकी आप पूजा साधना कर रहे हैं, उनसे संबंधित प्रतीक, उनसे संबंधित चिन्ह आपको ध्यान में और साधना में नजर आते हैं। और अपने आसपास दैनिक जीवन में भी किसी के होने का अनुभव कई साधकों को हो सकता है। तीसरा बहुमूल्य अनुभव, जो अब हम जानेंगे कि जो मंत्र जप हम करते हैं तो पहले तो वह वाचिक होता है। जब साधना की प्रारंभिक अवस्था होती है उसके बाद स्वतः ही वह वाचिक से उपांशु, फिर ऑटोमेटिकली उपांशु से वह मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है और यह आपको स्वयं नहीं करना पड़ता। यह जो परिवर्तन है, जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है उसी तरह से
ये परिवर्तन होने लगते हैं। जो मंत्र जप है वह वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है, और जब और भी उच्च अवस्था साधना की आती है तो जप ही छूट जाता है। यानी जो भी मंत्र जप आप कर रहे होते हैं वह छूट जाता है, एकदम मौन की परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह वह समय रहता है जब अपने मंत्र का बोध नहीं होता, अपने शरीर का भान नहीं होता, समय का कोई ध्यान नहीं होता और आसपास का अनुभव समाप्त हो जाता है, शरीर से हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। यह अद्वैत की स्थिति होती है जब इष्ट से हमारी दूरी मिट जाती है, ईष्ट से हमारा एकाकार हो जाता है, संपूर्ण साक्षात्कार की स्थिति होती है। हालांकि यह जो स्थिति है यह साधना और ध्यान में काफी समय के बाद आती है। जब बहुत अभ्यास साधक को हो जाता है उसके बाद यह स्थिति उत्पन्न होती है। फिर इसमें यह होता है कि जब मंत्र जब छूट जाता है एक आनंद की स्थिति में परमानंद में साधक होते हैं, कुछ समय बाद चेतना में स्थूल चेतना में साधक वापस आते हैं, पुनः मंत्र जब प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति प्रारंभ हो जाती है, अर्थात फिर वही समाधि की स्थिति लग जाती है जिसे योग निंद्रा भी कहते हैं। और कई साधक लोग थोड़ा सा इस संशय में ले लेते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वह सो गए हैं लेकिन वह सोई नहीं होते। उस साधना की उच्चतम स्थिति है यह योग निंद्रा इसे कहते हैं। जब अपने शरीर से आसपास के वातावरण से इस सांसारिक जगत से साधक का जो एक संबंध है कनेक्शन है वह थोड़ी देर के लिए टूट जाता है और वह अपने इष्ट में अपने भगवान में स्थापित हो जाता है। चौथा, एक बहुमूल्य अनुभव कि सांसारिक चीजों में रुचि नहीं रहती और भोजन का स्वाद चला जाता है। अब चाहे आपके सामने विभिन्न पकवान हो या एक साधारण खाना हो, दोनों एक समान लगते हैं। साथ ही भावनाओं पर काबू आ जाता है। कितनी भी अशांत स्थिति सामने हो, विचलित करने वाली स्थिति सामने हो, मन कम से कम विचलित होता है, क्रोध कम से कम आता है, या मैं कहूंगी कि क्रोध आता ही नहीं है क्योंकि मन मर जाता है और आत्मा की शक्ति बहुत विकसित हो जाती है, आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। काम वासना भोग विलास आदि विचलित नहीं करते हैं और संसार से स्वयं को अलग महसूस किया जाता है। मौन ज्यादा पसंद आता है, कम बोलना पसंद आता है, लोगों से मिलना जुलना कम पसंद आता है, एकांत में अपने इष्ट का स्मरण करना ज्यादा भाता है, अपने इष्ट में चित्त लगाना, उनके मंत्रों का मानसिक जप करना, यही सबसे ज्यादा सुरुचिपूर्ण लगता है। अगला बहुमूल्य अनुभव जो हम जानेंगे कि मंत्र जप के समय तेज उबासियां का आना और आंखों से निरंतर आंसू आना, यह एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि आप अपने इष्ट के बहुत समीप हैं। इसमें जो भी आप जप कर रहे हैं, जो भी मंत्र आप निरंतर कर रहे हैं, उसमें तेज उबासियां का आना शुरू हो जाता है, साथ ही आंखों से आंसू निरंतर गिरते हैं। यह वह समय होता है जो जब आपके समस्त चक्रों में और विशेषकर आपके हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में और सहस्रार चक्र में आपके ईष्ट की ऊर्जा स्थापित हो चुकी होती है। जो भी जप मंत्रालय आप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा स्थापित वहां हो चुकी होती है। साथ ही उबासी आने का संकेत यह भी है कि आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो रही है और अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा आपके चक्रों में आपकी नाड़ियों में पहुंच रही है, और इसके साथ ही साथ आपके संपूर्ण ऊर्जा शरीर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।